लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो वाकई सबसे विराट है। विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में सबसे तेज 9000 रन बनाए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस खास मौके पर आपको बता रहा है विराट कोहली से जुड़ा एक ऐसा सच जो कम लोगों को ही पता है। पने खेल के साथ ही साथ निकनेम चीकू के वजह से फेमस विराट दिल्ली नहीं मध्य प्रदेश के कटनी के रहने वाले हैं। विराट के चाचा चाची आज भी इसी शहर में रहते हैं, लेकिन अपनी व्यस्तता के चलते विराट की कई सालों से उनसे बातचीत तक नहीं हो पाई है। विराट आखिरी बार अपने चचेरे भाई की डेथ के बाद 2005 में कटनी आए थे। विराट कोहली की चाची आशा कोहली कटनी शहर की महापौर भी रह चुकी हैं। वे बताती हैं कि विभाजन के वक्त विराट के दादा कटनी आ गए थे। उनके पिता प्रेम कोहली भी कटनी के गुलाबचंद स्कूल से पढ़े थे। इसके बाद वे सारंगपुर चले गए और वहां से दिल्ली शिफ्ट हो गए। कोहली के चाचा गिरीश कोहली ने बताया कि जब से विराट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहा है, तब से एक दो दफा ही उनकी बात हो पाई है। विराट अब सेलिब्रिटी हो चुका है और उससे बात करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसलिए हम उन्हें परेशान नहीं करते। उन्होंने बताया कि विराट के बड़े भाई विकास और उनकी मां सरोज कोहली से लगातार बातचीत होती रहती है। विराट के चाचा गिरीश कोहली ने बताया कि विराट आखिरी बार 2005 में कटनी आए थे। उस समय मेरे बेटे की डेथ हुई थी। यहां उनका एक पुश्तैनी घर भी था जहां उनके पापा रहते थे। अब वो घर उन्होंने बेच दिया है।